सूबे की कानून व्यवस्था का सबसे अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है पुलिस। पुलिस ही व्यवस्था संभालती है, लेकिन पुलिस के अगर चेहरे और पुलिस की कार्रवाई में अगर झोलमोल हो जाए तो फिर कानून व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी, इस पर चर्चा करना बनती है। दरअसल महत्वपूर्ण हिस्सा पुलिस है और यूपी पुलिस के बहुत से ऐसे पुलिस वाले हैं जो अपनी ड्यूटी तक नहीं समझते, और इसी बात का खुलासा हुआ जब आईजी अग्रवाल साहब पहुंचे थे और यहां पर पुलिस वालों से जब उन्होंने बातचीत की तो उन्हें बेसिक ड्यूटी भी अपनी हरगिज पता नहीं थी। जिस भीड़ संख्या से सिपाही गांव-गांव पहचाने जाते हैं, जिस भीड़ संख्या के सहारे सिपाही गांव-गांव जाकर अपराधियों की मुसीबत बनते हैं, उस भीड़ संख्या से कन्नौज के सिपाही अनजान। फसीहत पर फसीहत करवाती उत्तर प्रदेश पुलिस का एक और फसीहत भरा वीडियो सामने आया। वीडियो में आईजी मोहित अग्रवाल पुलिस कर्मियों से कुछ जरूरी सवाल पूछते हैं, जिसके जवाब में पुलिस कर्मी बगले झांकने लगते हैं। दरअसल आईजी अग्रवाल निरीक्षण करने सदर कोतवाली पहुंचे थे, जहां की व्यवस्था देख आईजी साहब बेफर पड़े। बीट नंबर वन का सिपाही है इनके गांव, ऐसा कोई बोर्ड कहीं नहीं दिख रहा। बीट हर थाने में ये कहा गया था बीट वितरण चार्ट लगाने को, ताकि सिपाही को दिखता रहे मोटा मोटा कि मेरा भी है ये। बोर्ड के बाद आईजी साहब ने सिपाहियों से उनकी पीठ से जुड़े कुछ सवाल क्या पूछ लिए, सिपाहियों की रंगत ही उड़ गई। अरे संख्या क्या है? कितने अपराधी उस गांव में? तीन चार अपराधी। कौन कौन है, नाम बताओ। तुम बताओ कौन सा बीट नंबर है? एक हल्का एक है। बीट नंबर कौन सा है? बात यहीं तक नहीं रुकी। बीट संख्या न बताने वाले सिपाहियों से जब आईजी साहब ने उनके क्षेत्र के अपराधियों के नाम और रिकॉर्ड की जानकारी मांगी तो जवाब पहले वाला ही था, शून्य। ये हल्का ने 10 साल में इन गांव से कितने लोग जेल गए, कोई है रिकॉर्ड तुम्हारे पास? हां मैं, हां मैं, कुछ नहीं है रिकॉर्ड। प्रहरी ऐप के सवाल पर भी पुलिस कर्मियों को मानो सांप सूंघ गया। हल्का और बीट में अंतर पता है सर? क्या अंतर है सर? हल्का एक बड़ा कुछ होता है सर, बीट उसमें ऐसे दो तीन गांव का एक बीट है, सिपाही की होती है। हल्का दरोगा का होता है, बीट जो है सिपाही की होती है, तो इन लोगों को किसी को बीट पता ही नहीं होती। इसीलिए मैंने कहा था कि बड़े बड़े बोर्ड लग जाए, ताकि किसी सिपाही को बहाना ना रहे कि हमको बीट नहीं मिली, बनाई नहीं। तुमने कोई अपराधी भरा है इसमें? बताओ तुम्हारी बीट में कैसी कोई आखिरी अपराधी सूचना फॉर्म में किसी अपराधी का आपने भरा है? फोटो की ये पुराना सिपाही कोई भर गया होगा? ये कभी गए इनके गांव में? नहीं सर, कुछ में गया था, कुछ में नहीं। ये प्रहरी करके एक नई ऐप चालू हुई है, बताइए कितना जानकारी कहाँ गया वो? वीट प्रहरी। बताओ प्रहरी क्या चीज़ है? तुम मेरे से बताओ, प्रहरी नाम सुना है? सुरक्षा कर्मी। सुरक्षा कर्मी तुम बताओ, आप बताओ प्रहरी करके कुछ चालू हुई है, क्या चीज़ चालू हुई है, किसी को है जानकारी? सीओ एडिशनल साहब आपको है जानकारी? सीओ साहब प्रहरी करके का एक ऐप चालू है। पहला मौका नहीं था जब पुलिस की किरकिरी की कहानी सामने आई। इससे पहले भी समय समय पर पुलिस की फसीहत भरा चेहरा सामने आता रहा है। हाल ही में बाराबंकी से भी एक वीडियो सामने आया जब मॉक ड्रिल में बाराबंकी पुलिस का मजाक बन गया। दारोगा से लेकर सिपाही तक मॉक ड्रिल में पुलिस वाले हांफते नजर आए।
फायरिंग के प्रैक्टिस सेशन में बाराबंकी पुलिस के पसीने छूट गए। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस के कंधों पर समाज का भार होता है, पुलिस के भरोसे ही सूबे की सुरक्षा बुलंद होती है। मगर जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो पुलिस की सुरक्षा राम भरोसे ही लगती है। पिछली सरकारों में भी पुलिस कर्मियों की फसीहत कराते वीडियो सामने आते रहे हैं और बीती सरकारों में भी मॉक ड्रिल के दौरान दारोगा सिपाही संघर्ष करते ही नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो यूपी की पुलिस वाकई गजब है। वो पुलिस जो मुंह से कला जानती है बंदूक चलाने की, धाएं धाएं करने की, वो ये नहीं जानती, मुंह से ये नहीं बोल पाती कि उसकी बीट कौन सी है, उसके इलाके के छटे हुए बदमाश कौन से हैं, कैसे वो अपना प्रोफाइल भरते हैं, कुछ नहीं जानती। मोहित अग्रवाल साहब IG जोन पहुंचे हुए थे और यहां पुलिस वालों से जब बातचीत की तो फिर समझ आया कि पुलिस वालों को कितना ज्ञान रहता है अपने ही इलाके का, और जब अपने ही इलाके का ज्ञान नहीं होगा तो फिर खाक वो मुजरिमों को पकड़ेंगे। हमारे साथ बहुत बड़ा पैनल जुड़ रहा है इस वक्त। हमारे साथ नम्रता नारायण है स्टूडियो से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समाज सेविका है, IG XIG यूपी पुलिस के। हमारे साथ राजेश राय जी हैं, इसके अलावा अब्दुल हफीज गांधी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, संजीव मिश्रा हैं, BJP के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करता हूं नम्रता जी, आपसे ही शुरुआत करता हूं। ये बताइए कि ये पूरा आपने सीन देखा, यहां IG अग्रवाल साहब पहुंचे हुए थे, पुलिस वाले जिन्हें दो दो चार चार पांच पांच साल या शायद उससे भी ज्यादा साल हो चुके हैं पुलिस में, लेकिन उसके बावजूद उन्हें पता नहीं उनकी बीट कौन सी है, उनको ये नहीं पता कि उनके छटे हुए अपराधी या मुजरिम लोकल बदमाश कौन से हैं जो उनकी बीट में रजिस्टर्ड होने चाहिए। इस तरीके की पुलिस की जो तस्वीर सामने आ रही है, क्या कहेंगे आप? कुलदीप जी, बिल्कुल, ये पूरा वीडियो जब हमने देखा तो इसको देख करके क्या कहा जा सकता है, हंसी भी आ रही है और शर्म भी आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसा इतना बड़ा जो ये प्रदेश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है यहाँ पर, अगर पुलिस की ऐसी हालत है तो आप समझ सकते हैं कि क्राइम को कंट्रोल करने का जो दावा है सरकार का वो कहाँ तक सच हो रहा है। देखिए, जब योगी सरकार आई थी तो 2017 में ही एक आपको वाकया याद होगा कि उन्होंने सरप्राइज विजिट किया था हजरतगंज थाने लखनऊ में, और वहाँ पर फिर उन्होंने विजिट करके मीडिया भी साथ गई थी और सभी ने देखा कि उन्होंने एक कोशिश दिखाई थी उस समय क्या कि पुलिसिंग को मजबूत करेंगे प्रदेश में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कई बार ऐसे वादा तो किया है कि पुलिसिंग को मजबूत करना है, उसके बावजूद इस तरह के जो घटने हो रहे हैं, और इसके बाद पिछले महीनों से ही कई खबरें ऐसी आई हैं जिसमें पुलिस की एट्रोसिटी का मामला सामने आया है, पुलिस की नेग्लिजेंसी का मामला सामने आया है। तो अगर ये इस तरह से IG साहब विजिट करते हैं और इस तरह से पुलिसिंग को देखते हैं कि नेग्लिजेंसी है, उन्हें खुद नहीं पता कि बीट ऑफिसर्स हैं, बीट उन्हें कौन सा बीट मिला हुआ है, कितने अपराधी हैं, कितनी पूरी, ये तो रिकॉर्डिंग होती है, यानी कि हर हफ्ते, क्योंकि मैं थोड़ा करीब से जानती हूँ कि क्राइम रिपोर्टिंग क्या होती है, तो हर हफ्ते पुलिस की एक ब्रीफिंग होती है, हर बीट पर जितने भी कॉन्स्टेबल्स होते हैं, SO होते हैं, उन लोगों की पूरी मीटिंग होती है, पूरी चार्ट तैयार की जाती है और उसकी एक लिस्टिंग होती है, उसके बावजूद अगर ऑफिसर्स और जो कॉन्स्टेबल्स उनको जानकारी नहीं है तो एक बहुत शर्म की बात है। और दूसरी बात है क्या कि आप समझिए कि एक बहुत बड़ा, आप कुलदीप जी आपको पता होगा कि कितनी बड़ी जो बजट बना रखा है, करीब करीब 26,000 करोड़ का बजट है पुलिस के ऊपर दिया जाता है, तो अगर इस तरह से होगा तो प्रदेश में जो आप है किस तरह से जो कंट्रोल कर सकेंगे, कानून को कंट्रोल कर सकेंगे, अपराध को कंट्रोल कर सकेंगे। संजीव मिश्रा जी के पास चलेंगे। संजीव मिश्रा जी, ये तस्वीरें आपने भी देख ली होंगी, मोहित अग्रवाल साहब तो पूरी तरह बिफरे पड़े थे, लेकिन ये आज की बात तो है नहीं, ये तो सालों साल ऐसे ही पुलिस अपना जो उसकी कार्य प्रणाली इसी तरीके से अंजाम देती है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि पुलिस हमारी क्या प्रोफेशनल पुलिस नहीं है? क्या उनकी जो भर्ती होती है उसकी भर्ती के बाद जो भी उनकी एक्सरसाइज होती है जिसके तहत वो समझ बूझ के आगे बढ़ते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट होती है, उस दौरान वो चीजें सिखाई नहीं जाती? किस तरीके से अपडेट रहना है? नहीं, कुलदीप जी बिल्कुल सही बात आपने कही है, और जहां तक मोहित अग्रवाल जी का सवाल है तो एक नज़ीर उन्होंने दिखाई, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जैसी स्थितियां आपके चैनल पे दिखाई जा रही हैं उससे बड़ा अप्रत्याशित मैं महसूस कर रहा हूं कि जिन सिपाहियों को या अधिकारियों को बीट की जानकारी नहीं होगी तो कैसे अपना काम करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है, ये जो पुरानी व्यवस्थाएं थीं इन व्यवस्थाओं को बदलने का समय आ गया है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में, चूँकि ये बात आज आपके चैनल के माध्यम से मेरे को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हुई है,
अब मेरा प्रयास रहेगा, मैं उत्तर प्रदेश शासन तक और माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस तरीके की चीज़ों को पहुंचाऊंगा, और इसमें जो भी परिवर्तन हो सकता है या इनको किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाए वो हो सकता है मेरे ख्याल से उसको करके, और एक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। क्योंकि अगर सिपाहियों को या उनके अधिकारियों को इस तरीके की बातें नहीं मालूम होगी, लेकिन वो कैसे होगा मुझे ये नहीं समझ आता। अक्रॉस द पार्टी कोई भी नहीं चाहता कि पुलिस रिफॉर्म्स हो, पुलिस रिफॉर्म्स ही नहीं होंगे तो फिर कैसे उनका ज्ञान आगे बढ़ेगा, ये सारा चर्चा करने वाला विषय। फिलहाल आप सभी को रोकेंगे यहां, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और अब सीधे जुड़ेंगे राजेश राय जी, फॉर्मर आईजी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो पूरा मामला सामने आया है इसमें भी दरअसल मोहित अग्रवाल आईजी साहब ही हैं, जहां पहुंचे हुए थे और वहां उन्होंने बहुत सी खामियां देखी। राजेश जी आपसे समझना चाहूंगा, क्या जिस तरीके से बिफरे थे मोहित अग्रवाल जी, आपको भी कई बार ऐसे मौके आए होंगे जब आप गुस्सा हो गए होंगे, इस तरीके से बिफर पड़े होंगे? नहीं, ऐसा होता है। दरअसल कुलदीप जी, इन्हीं सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए पुलिस विभाग में एक बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम है इंस्पेक्शंस का। तो जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनको ये कहा जाता है कि वो सुपरवाइजरी ऑफिसर है, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये जो सुपरिंटेंडेंट है इनका काम है पर्यवेक्षण, और उस पर्यवेक्षण में काम यह है कि जो काम लोगों को अपने नीचे कर्मचारियों को दिया गया है उस काम को वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो उसमें सुधार लाने की कोशिश की जाए। इसलिए इनको रेगुलर इंस्पेक्शन करना चाहिए, और शायद मेरा ख्याल है उसी तरह का इंस्पेक्शन, क्योंकि बाई आई जी साहब को जाना पड़ा, वहां वो जांच में गए थे बिजनौर एसपी की जांच करने के लिए, जो पिछले वाले एसपी साहब थे उनके बारे में वो तबादले वादले का चक्कर था, उसमें जांच करने के लिए गए थे, तो उसमें उन्होंने वो बहुत से पुलिस कर्मी ऐसे हैं जिन्हें अपनी ड्यूटी पता हो ना पता हो, लेकिन उन्हें पता है वसूली कहां से होती है, उन्हें पता है कॉन्ट्रैक्टर से कहां से पैसा लेना है, उन्हें पता है कि खनन का काम कहां चल रहा है, कौन कौन से मशगूल है, या फिर लोकल इलाके की बात की जाए तो भी रेहड़ी पटरी से लेकर हर जगह पैसे बंधे होते हैं। मैं सब पे इल्जाम नहीं लगा रहा, आपको भी इस बात का पता होगा। मैं ये जानना चाहूंगा, जब ऐसी दूसरी चीजों में अलाइन रहेंगे सभी पुलिसकर्मी या ज्यादातर पुलिसकर्मी या कुछ एक बड़ा हिस्सा पुलिसकर्मियों का, तो फिर अपनी ड्यूटी के बारे में कहां अंदाजा लगेगा उन्हें? देखिए कुलदीप जी, आप कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, जब पुलिस के बारे में यही आम धारणा, क्योंकि पुलिस समाज में दिखती है, चारों तरफ दिखती है, और पुलिस के बारे में एक इस तरह की सामान्य धारणा है, और लोगों के बेमानियां और लोगों की चोरियां और लोगों के खुराफाते, सबके बेमानी, कौन क्या करता है सारी दुनिया सब जानती है, आप भी जानते हैं, आपके भी डिपार्टमेंट में आपके यहाँ भी लोग लेकर के झोला लेकर के कहाँ कहाँ घूमते हैं, लोग सबको मालूम है, ये सब चीजें हैं, बेमानियां हैं, मतलब कमियां हैं, लेकिन पुलिस की सामने रहती है, इसलिए इसको उजागर करना है, इसको कहना सबसे आसान है। हम लोग जिस इशू पर बात कर रहे थे, अगर उस इशू पर बात करें, अगर आप बेमानी की बात करेंगे तो फिर मैं मतलब देखा जो फ्लाईओवर के नीचे से हम आते, 7 से 8 पुलिसकर्मी वहां खड़े हुए हैं, वो चाहे ट्रैफिक पुलिस के भी हैं, यूपी पुलिस के भी हैं, वो खड़े हुए हैं और जो बाइक आ रही है उसे रोका जाता है। मैं ये समझना चाहता हूं 7-8 व्यक्ति, लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन हमें करना होगा, हमें नागरिकों को सुविधा देनी चाहिए, और आपको पता है उसमें फंसता कौन है, उसमें गरीब आदमी फंसता है, जो 2000 रुपए की अपनी इंश्योरेंस नहीं कर पा पाया है वो उधर चढ़ावा चढ़ाएगा। कुछ बातें ऐसी सामने आती है तब लगता है कि ड्यूटी पर दरअसल फोकस नहीं होता। सहमत हूं मैं आपकी बात से, सहमत हूं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं पुलिस वालों को, लेकिन पुलिस वाले चूंकि ऐसा है कि जो पुलिस वाला जो सिपाही है वो चौराहे पर खड़ा है, और अगर वो कोई उसको कोई जो आदमी और एक घंटे की बारिश हो जाए तो इतना ट्रैफिक जैम हो जाता है कि उस वक्त कोई पुलिस वाला नजर नहीं आता किसी चौराहे पर। वो सब सही है, मैं मान रहा हूं आपकी बात में, उसका दिखाई पड़ता है और बाकी लोगों का दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए उसके बारे में सब लोग बात करते हैं, दूसरे बारे में कोई नहीं बात करता। अगर आप बात करना उसके बारे में, अगर आप करप्शन के बारे में बात करेंगे तो मेरे पास भी बहुत कुछ कहने के लिए आई। हम लोग बात इसी पे करते हैं, जो बात यहाँ जिस बात की हम लोग बात कर रहे हैं कि सिपाहियों को आना जानना चाहिए, उनको ये उनकी इनकी उनको ये मस्त है कि वो जाने, और ये जनाने का काम अधिकारियों का है। अगर वहां पर एसपी क्या कर रहे थे, ये बीट सिस्टम की बात हो रही है, एसपी तबादले में लगे हुए थे, एसपी को ये काम उनका था कि वो इंश्योर कराते कि जो वो अभी जो बात कर रहे थे कि जो प्रहरी ऐप आया हुआ है
तो अगर प्रहरी ऐप के बारे में सिपाही नहीं जानता है तो एसपी क्या कर रहे थे? उन्होंने अपने एडिशनल एसपी को क्यों नहीं लगाया इसमें? उन्होंने जो सीओज है उनके लिए क्यों नहीं अभियान चलाया? उन्होंने अपनी जो क्राइम मीटिंग होती है उसमें बुला करके जो एसओज है, इंस्पेक्टर्स है, उनसे क्यों नहीं? हम लोगों ने किया है, हम लोगों ने बीट रजिस्टर बीट बुक बनवा बनवा करके उनके थानेदारों को ले लेकर के वो आकर के हम लोग को दिखाते रहे, सर्किल ऑफिसर्स को दिखाते रहे, उनके अर्ली रूम में दिखाते रहे। ये चीजें जो है सुपरवाइजरी ऑफिसर्स का काम है। ये कमी है, इस कमी में कहीं कोई और इस कमी का खामियाजा भुगतना पड़ता है पुलिस को। आपकी बात ये भी सही है कि उनको जो बेईमानी के तरीके हैं वो सब मालूम है और जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसमें उनको जितना लगना चाहिए उतना नहीं लगता है इसमें। ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है। वो तो लेखपाल को हो सकता है कि शायद खसरा खतौनी के बारे में कम मालूम हो, लेकिन ये जरूर मालूम है कहां से पैसा लेते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल पैसे वाली बात सबको मालूम है। ठीक है, आप सभी बने रहिए, फिलहाल यहां रुकेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक। इनसे ना हो पाएगा, ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है और चर्चा कर रहे हैं। दरअसल पुलिस वालों के लिए प्रोफेशनलिज्म जो बढ़ाना है उसको लेकर के प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है, क्यों उनको अपने ही इलाके की जानकारी नहीं होती? ये बड़े सवाल हैं। और अपने ही इलाके की जानकारी नहीं होगी तो फिर जुर्म से कैसे पार पाया जाएगा? अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। अब्दुल हफीज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये बताइए कि पुलिस रिफॉर्म्स की बार बार बात होती है लेकिन पुलिस रिफॉर्म होते नहीं है। वजह उसकी साफ साफ ये है कि सियासतदान नहीं चाहते कि पुलिस जो बपोती वो समझते हैं वो उनके हाथ से कहीं निकल जाए और उस वजह से प्रोफेशनलिज्म पुलिस में नहीं आ पाता। तो ये तो सभी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि इस पर खुलकर बात उठाई जाए। देखिए, पुलिस रिफॉर्म्स की बात आज नई नहीं है, बहुत दिनों से हो रही है। 1960 के दशक में एक धर्मवीरा कमेटी बैठी थी पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर, वहां पर बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अलग अलग केसेस में जो है टिप्पणी की है कि पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए और जो ये जो प्रोसिक्यूशन है और इन्वेस्टिगेशन है इसको अलग अलग किया जाए, क्योंकि पुलिस पर दोनों तरह के बोझ रहते हैं। एक तो इन्वेस्टिगेशन का बोझ रहता है, फिर प्रोसिक्यूशन का भी बोझ रहता है, तो दोनों चीजें प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती हैं, जिसका रिजल्ट ये भी होता है कि बहुत सारी जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं जो है कहीं ना कहीं पैदा हो जाती हैं। अभी जो समस्या आपने बताई है इसके अंदर एक रिफॉर्म करने की जरूरत है कि रेगुलर ट्रेनिंग्स होनी चाहिए और जो ये जो अपर लेवल के जो अधिकारी हैं ये अगर रेगुलर इंस्पेक्शन करें, विजिट करें, तो मैं समझता हूँ कि चीजें सुधरेगी। अब एक दिन मोहित अग्रवाल जी चले गए, अब सालों साल कोई नहीं पूछेगा। अगर यही जो है एक मैं समझता हूँ कि सिस्टम में आ जाए, डॉक्यूमेंट में आ जाए कि एक रेगुलर इंटरवल पर इस तरह की ट्रेनिंग होगी, इस तरह की इंस्पेक्शंस होंगी, तो मैं समझता हूँ कि चीजें सुधरेंगी। अगर हम सिर्फ एक दो बार इस तरह की चीजें कर लेंगे और एक दो बार वो खबरें भी बन जाएंगी तो इससे हालात सुधरते नहीं है। जब चीजें मुस्तकिल तौर पर, रेगुलर तौर पर, निरंतरता के साथ होती हैं तभी चीजों में बदलाव किया जा सकता है। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रेनिंग है और दूसरा ये लैक ऑफ इंस्पेक्शन भी है। जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको अपने वातानुकूलित जो है ऑफिसर्स छोड़कर नीचे जाना होगा, जो है कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पर जाना होगा और देखना होगा कि वाकई जो है, जो पहली बात तो ट्रेनिंग दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, दी जा रही है तो प्रॉपर दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, उसके बाद वो कितना रिटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और जो भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे बीट रजिस्टर की बात हो रही है बार बार, तो वो तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वाकई जो है अलग अलग गाँव में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। गाँव में पहले एक चौकीदार भी हुआ करता था जो पुलिस के साथ। अच्छा, मैं संजीव मिश्रा के पास जाऊंगा एक बार। संजीव मिश्रा जी, आप बहुत से विभागों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, संविदा में भी आप स्क्रीनिंग करेंगे, बहुत कुछ चल रहा है, पुलिस की स्क्रीनिंग किस तरीके से होगी और वो अपडेट हो पाए, थोड़ा और ज्यादा प्रोफेशनल हो जाए, क्या कुछ रोड मैप है सरकार के पास? मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं जी। हाँ, सरकार तक इस बात को पहुंचाऊंगा आपकी और बहुत अच्छे तरीके से, किस मतलब ये खुफिया जांच कैसे करते होंगे, कैसे इनके लोग होते होंगे, अगर इनको अपने बीट के बारे में जानकारी नहीं है तो ये सारी चीज़ें आई हैं। इस पर गहन अध्ययन करके मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को एक ऐसा सिस्टम फोरम बनाना पड़ेगा जिससे कि डे टू डे वहाँ पर सर्चिंग भी हो, कोई कौन व्यक्ति कहाँ पर किसकी ड्यूटी लगी है, वो वहाँ पर है कि नहीं है, और जहाँ तक प्रहरी ऐप का सवाल है इसकी जानकारी भी हर कांस्टेबल तक होनी चाहिए और उसी हिसाब से तेजी से काम होगा, तेजी से अपराधी पकड़े जाएंगे। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी जब से योगी जी बने हैं, नम्रता जी आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है मिश्रा जी, आपको रोकूंगा, नम्रता जी कुछ कहना चाहते हैं? और अपराधियों की धरपकड़ भी हो रही है मिश्रा जी, आपको बड़ा एक बड़ी एक मिनट 10 सेकंड मुझे और दे दीजिए, उसके बाद फिर इनको बोल रहे हैं।
नम्रता जी आप नहीं देखिए कुलदीप जी, मैंने कहा कि विपक्ष के लोग तमाम दिखाते थे कि साहब ये लिस्ट है, इतने इतने लोग हैं, लेकिन उन लोगों ने 3.5 साल में कोई अपराधी वो नहीं किया, और जो लोग कोर्ट से जमानत पर हैं उन पर हम सीधे अटैक नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि अगर वो कोई अपराधी कृत्य करेंगे तो उन पर कार्रवाई हो। ठीक है मिश्रा जी, नम्रता जी आप कुछ कहना चाहते हैं? कुलदीप जी धन्यवाद। देखिए सबसे बड़ी बात है जो अभी मिश्रा जी जिन्होंने कि बीजेपी को जिन्हें रिप्रेजेंट करना वो कह रहे थे कि हाँ पुलिसिंग को दुरुस्त करने की बात है, लेकिन 2017 में जब इनकी सरकार ने कह दिया कि हम पुलिस को दुरुस्त करेंगे, मजबूत करेंगे, एक बेहतर पुलिसिंग देंगे प्रदेश को, तो 3 साल लग जाएंगे। अभी आप सोचोगे इस बात को कि अब हम पुलिस करेंगे, अब तो फिर नया आपका सेशन शुरू हो जाएगा कुछ 2 साल के बाद, तो आप क्या करोगे? 3 साल यूं ही बर्बाद कर दिया। पहली बात है, जब अगर IG साहब आज उन्होंने इंस्पेक्ट किया और इस तरह आपके जो नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स हैं उन्हें पता ही नहीं कि उनका बीट कौन सा है, क्राइम रेट क्या है और कहां कहां क्या क्या। बिल्कुल नम्रता जी आपकी बात आ गई, आपकी भी बात आ गई, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ ये समझा जा सकता है जिस तरीके से बार बार शासन की ओर से आदेश हैं कि सभी थानों में जो टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट बनाई जाए, उन्हें धर दबोचा जाए, लेकिन अगर ऐसे ही हालात सामने आएंगे कि एक बीट ऑफिसर को, एक बीट कांस्टेबल को यही नहीं पता होगा कि उसके थाने में उसकी बीट के कितने छटे हुए बदमाश हैं, तो फिर जुर्म पर किस तरह काबू पाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया।